दिस इज़ द सेकेंड मॉडल पेपर ऑफ इंग्लिश फॉर 8th क्लास स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, आप लोगों ने फर्स्ट मॉडल पेपर पढ़ा, एज इट इज़ सेकेंड मॉडल पेपर है। देखिए जो पहला हमारा जो क्वेश्चन है ये पैसेज है, ठीक है, आपको इसी में से आंसर सर्च करके देने हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनके आंसर इसी में ही हैं, तो ये बहुत ईजी है, आपको जैसे मैंने क्लास में बताया था उस तरीके से आप लोग कर लेना। ओके, अपन जो हमारा पार्ट है ग्रामेटिकल उस पर चलते हैं। ओके, देखिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ही इज़ वेरी डल सो ही डैश पास, यानी वो बहुत ही कमज़ोर है, ठीक है, सो ही डैश पास। तो देखिए बहुत ही कम संभावना है इसके अंदर, ना के बराबर। तो मैंने बताया कि जिसमें लेस देन पॉसिबिलिटी होती है, लेस पॉसिबिलिटी, उसके लिए माइट, और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है उसके लिए मे, ठीक है, तो इसमें माइट का यूज़ करेंगे। ओके, सी यूजुअली डैश हिंदी, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया था कि आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में कि यूजुअली, नेवर, सेल्डम, ऑलवेज आता है, तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की क्रिया का यूज करते हैं। तो इसमें देखिए सी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसईएस का यूज होता है, तो यहाँ पे स्पीक्स, ओके, स्पोक नहीं आएगा क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, स्पोकिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, और स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन इसका यूज हम किसके साथ करते हैं, आई, वी, यू, दे और किसी अदर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के अलावा। लेकिन सिंगुलर के साथ तो क्या होगा, स्पीक्स। नेक्स्ट है आई वंडर व्हाट सी डैश एट दिस टाइम टुमारो। अब देखिए टुमारो आ गया, फ्यूचर टेंस को इंडिकेट कर रहा है, उसके लिए हम फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे आई के साथ क्या यूज होगा, ठीक है। लेकिन आई के साथ अगर आई स्टार्टिंग में है तो हम उसी सब्जेक्ट के साथ क्रिया का यूज़ करेंगे जो फ्लिप से पहले है, तो सी, सी के साथ क्या आएगा, विल, सिल, विल बी डूइंग। ओके, नेक्स्ट है आपको मैंने डिग्रीज करवाई, तो उसमें एटम इज द, जिसमें द आता है तो हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, तो टीनेस्ट। ओके, नेक्स्ट है ध्यानचंद फॉलोड फैमिली ट्रेडिशन, अभी किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बताया है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, द, ठीक है। द मीनिंग ऑफ द वर्ड डेंस इज, यानी घना, ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, थिक। ओके, नेक्स्ट है फाइंड आउट द वर्ड विच करेक्ट स्पेलिंग, इसमें कौन से वर्ड है जो सही अर्थ में है, तो फर्स्ट एच ओ वी ई, ये भी कोई वर्ड नहीं होता, ये भी नहीं होता, एच डबल ओ एफ एस, ठीक है, दिस इज द करेक्ट वर्ड। नेक्स्ट फाइंड आउट द वर्ड विच डिफरेंट्स आउट एट द अंडरलाइन पार्ट, अभी देखिए अबाउट, थॉट, लाउड, अराउंड, इन सभी में सेम आ रहा है, इसमें, इसमें और इसमें, लेकिन थॉट में अलग आ रहा है, तो यही है हमारा डिफरेंट साउंड। नेक्स्ट है आई प्लेड आफ्टर, मैंने आपको बताया जब किसी सेंटेंस के अंदर बिफोर और आफ्टर आता है तो उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म और पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस की, हेल्पिंग और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड डन, ठीक है, यदि किसी सेंटेंस में क्या आता है, बिफोर और आफ्टर, क्लियर। नेक्स्ट है द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एडमायर, एडमायर यानी प्रशंसा करना। अब देखिए सैड का मतलब तो दुखी होना, फील का मतलब महसूस करना, एरन मतलब इनमें से कोई नहीं, रिस्पेक्ट का मतलब सम्मान, प्रशंसा, एक ही बात है, इसका सिनोनिम्स यानी समानार्थी शब्द है, तो रिस्पेक्ट आएगा। गिव वन वर्ड फॉर द मास ऑफ साल्ट वाटर द कवर मोस्ट ऑफ द अर्थ सर्फेस, तो आपको पता है ओशियंस, ठीक है, दिस इज कम्प्लीट। अब इसमें देखिए आपको लेटर एप्लीकेशन कौन से हैं, राइट ए लेटर टू द हेड मास्टर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर इन योर, सॉरी पोस्ट मास्टर को करना है, आपके क्षेत्र में जो